दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब नगर में। दोस्तों हमारी जो वीडियो होती है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है और ऐसी वीडियो मैं आज फिर से मैं जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर आपके एक अच्छा वाईफाई है या फिर आपका एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर एक अच्छा इंटरनेट नेटवर्क आता है लेकिन आपके पास में स्मार्ट टीवी नहीं है, टीवी में है लेकिन आप जो है काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ एंड्रॉयड ऐप जो यूज़ करना है या फिर कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखनी है लेकिन आपके पास में ऐसी स्मार्ट टीवी ना होने के कारण वो सपना आपका सपना ही रह जाता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है क्योंकि आज हमने मंगाया एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स और वो भी मार्केट प्राइस से बहुत सस्ते रेट में। रेट कितनी है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में, क्योंकि अगर आप मैं जहां से परचेज मैंने किया है वहां से अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको जो है 600 से 700 रुपए का आपको जो है बेनिफिट होने वाला है, जो एक काफ़ी अच्छी डील है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में क्या क्या है। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से जो है ये बॉक्स निकल जाएगा और ये है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, मतलब फुल्ली स्मार्ट। मॉडल आप देख सकते हैं MXQ Pro और ये जो वेरिएंट है वो है मेरे पास में 2GB 16GB। दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ये जो है 2500 से 2600 की रेंज में आपको जो है मिलने वाला है, लेकिन आपको ये मिलने वाला है 600 से 700 रुपये लेस में। मैं आपको बताऊंगा आपको जो है कैसे ऑर्डर करना है। इससे पहले कुछ देख लेते हैं। तो ये जो है दो वेरिएंट में आता है, एक तो 1GB 8GB में आता है, साथ में ये वाला जो वेरिएंट है वो है 2GB रैम के साथ में 16GB स्टोरेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी MXQ Pro की, साथ में ही 4K सपोर्टेड है। अगर इसके CPU की बात करें तो 64-bit में 4-core में जो है इसका प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी स्पीड जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की, मल्टीपल गेटवे एंड इंटरनेट टीवी। तो इस टीवी को जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं तो मतलब आपके चाहे कोई सी भी टीवी हो, चाहे बाबा आदम जमाने की अगर आपके पास में टीवी है इतनी बड़ी बड़ी, उसको भी आप जो है एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। यूट्यूब नेटफ्लिक्स वगैरह जो आपका मन है वो आप चला सकते हो, बस नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं, तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर मिलने वाला है एक बॉक्स और यहाँ पर आपको टीवी बॉक्स 4K की जो है ब्रांडिंग यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा। अभी ओपनिंग करेंगे। मैन बात करते हैं इसके अपने एंड्रॉयड बॉक्स की, तो ये जो है इस तरीके की पॉलीथिन में आता है, इसको अभी बाद में बात करेंगे, पहले बॉक्स की देख लेते हैं आपको जो है क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा एक चार्जर आप देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है लेकिन जो है इसके कंपैरेटिवली जो है ठीक है। और साथ में दोस्तों अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ तो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस रेंज के अंदर जो है ये वेरिएंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। साथ में मैंने इसके यूट्यूब पर भी जो है काफ़ी रिव्यू देखे थे तो मुझे मैक्सिमम जो रिव्यू थे इसके जो है पॉजिटिव में आए। और मेन चीज़ है कि इस रेंज में आपको जो है यहाँ इससे अच्छा जो है बॉक्स मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये चार्जर मिलता है, साथ में ये एक आपको केबल मिलती है, ये जो है HDMI केबल है। अगर आपके टीवी HDMI सपोर्ट करती है तो आप ये इसको जो है केबल को कनेक्ट करके आसानी से जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो। HDMI पोर्ट से अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको जो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। अगर आप नॉर्मली अगर और किसी केबल से कनेक्ट करते हो तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। और बात करते हैं बॉक्स में, तो और बात एक आपको मिलता है एक रिमोट, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो है आपको ये देख सकते हैं ब्लैक कलर में जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको जो है सारे फंक्शंस में आपको जब टीवी से कनेक्ट करूँगा तो आपको बताऊँगा। बाकी इसके अलावा और आपको यहाँ पर जो है इसकी जन्म कुंडली मिलती है, इसको आप पढ़ सकते हैं या फिर आपको अगर आता है तो आप इसको साइड में कर सकते हैं। तो इसके अलावा और बॉक्स में कुछ नहीं है, तो इन सबको हटाते हैं साइड में और बात करते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के बारे में। सो दोस्तों करते हैं अनबॉक्सिंग हमारे स्मार्ट बॉक्स की। तो यहाँ पर जो है आपको मैट फिनिश के अंदर थोड़ा सा इस तरीके का टेक्सचर मिलता है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आपको MXQ Pro की 5G 4K की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। साइड में बात करें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ नहीं है, फ्रंट में आपको जो है यहाँ पर LED इंडिकेशन मिलेंगे। राइट साइड में यहाँ पर जो आपको देख सकते हो जो है 3 USB पोर्ट दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पर जो है आपको SD कार्ड MMC के लिए यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाता है। और बैक साइड में बात करें तो दोस्तों बैक साइड में आपको जो है काफ़ी सारे जो है यहाँ पर आपको मतलब कह सकते हो सब तरीके से जो है आप टीवी कनेक्ट कर सकते हो। HDMI पोर्ट मिल जाता है आपको, यहाँ पर आपको जो है एक AV पोर्ट मिल जाता है जिससे आपकी पुरानी टीवी है तो उसको आप आसानी से जो है कनेक्ट कर सकते हो। एक USB पोर्ट मिलता है, साथ में दोस्तों एक आपको मिल जाता है SPD IF1 पोर्ट। साथ में अगर आप मान लीजिए डेटा केबल वो सॉरी
वाईफाई की जो लाइन केबल होती है उसके थ्रू अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ये फीचर्स भी मिलता है, और यहाँ पर जो है आपका चार्जर यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। चार्जर की बात करें तो राउंड शेप में जो है आपको पिन मिलती है जो डायरेक्टली आपको जो है कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, जो काफ़ी टाइट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको हिलने की पावर कट की ऐसे कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। साथ में दोस्तों और बात करें तो इसके अलावा आपको जो है और बॉक्स में कुछ भी नहीं दिखाया जाता। नीचे की साइड बात करें तो हीट निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो है इस तरीके की खिड़की टाइप की जो है आपको मिल जाएगी। साथ में 2GB प्लस 4GB की जो है ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है आपको इसके बारकोड मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों ओवरऑल जो है लुक आपके एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है आप क्या क्या सपोर्ट करवा सकते हैं, कैसी क्या इसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो दोस्तों हमने जो है हमारे बॉक्स को जो है टीवी से कनेक्ट कर लिया। ये जो है ना मैंने HDMI पोर्ट जो केबल बॉक्स के साथ में मिली थी उसी के थ्रू कनेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने जो है इसका चार्जिंग कनेक्ट कर दिया, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जिस LED की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पर जो आपको हल्के से ब्लू कलर की LED मिलती है। इसके अलावा और बॉक्स में आपको कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिलता है। दोस्तों अगर बात करें रिमोट की, तो रिमोट आपको जो है इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर आप प्रेस करते हो तो ये जो पावर बटन है यहाँ पर आपको जो है लाइट ब्लिंक करेगी जब भी आप कोई भी बटन प्रेस करते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है माउस कंट्रोल का मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ माउस का एक्टिवेट किया, इसके बाद में आप जैसे ही लेफ्ट राइट जाते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट माउस के जैसे ये जो है काम करने वाला है। तो साथ में डबल क्लिक करोगे तो ये जो है आपका ये माउस कंट्रोल जो है ऑफ हो जाएगा। बात करें दोस्तों ये है टीवी का रिमोट। अगर मैं थोड़ी सी मेरे को जो है अच्छा लग रहा है ये वाला रिमोट, अगर इसकी भी जो है क्वालिटी जो लुक था वो इस तरीके का होता तो क्या ही मज़ा आता था। लेकिन चलिए ठीक है, इस रेंज में भी जो है ये काफ़ी अच्छी जो है आपको डील मिलने वाली है। दोस्तों ज़्यादा वेट आपको ना करवाते उसकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट देखते हो तो आपको जो है 2599 का जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है आपको मिलने वाला है मात्र 2100 रुपये का। ये मैंने कहाँ से परचेज किया है, तो काफ़ी टाइम पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ओसम गैजेट्स के बारे में बताया था। वहाँ पर जो है आपको स्मार्ट वॉचेज वगैरह ये थी, लेकिन अभी इन्होंने जो है काम थोड़ा चेंज कर लिया है। अभी जो है काम स्टेबल कर रहे हैं, तो अभी इनके पास में जो स्टॉक आया हुआ है वो है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का। यहाँ पर आपको जो है 1GB का भी मिल जाएगा और 2GB का भी मिल जाएगा। 2GB का जो मैंने जो ऑर्डर किया है वो किया है 2100 रुपये का। साथ में अगर आप 1GB का लेते हो तो आपको 1600-1500 रुपये का मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखकर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप जॉब नगर के सब्सक्राइबर हैं और साथ में जो है ऑसम गैजेट से पहले जुड़े हुए हैं। तो ये जो है ऑलमोस्ट आपको 2000 रुपये में पड़ने वाला है, तो आपको 600-700 रुपये का जो है बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए अगर बात करें इसके एंड्रॉयड बॉक्स की, तो इस तरीके का जो है आपको इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें ऑनलाइन वीडियो माई ऐप लोकल सेटिंग वगैरह यहाँ पर जो है इस तरीके का मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं सेटिंग पे, तो आपको जो है सेटिंग पे लेके जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे आपने एंड्रॉयड की सेटिंग में जाते हो सेम इसी तरीके का बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो है अपने वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी अपना वाईफाई जो है कनेक्ट कर रखा है। बैक लेने के बाद में दोस्तों अगर मैं आपको स्टोरेज की बात करता हूँ, तो स्टोरेज आपको जैसे ही मोर पे क्लिक कर स्टोरेज में जाने के बाद में यहाँ पर आपको ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ऑलमोस्ट बहुत ईजी है जैसे आप फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन का आप कैरी करते हो जिस तरीके से आपको वहाँ पर ऐप मिलता है इंटरफेस मिलता है सेम ऐसे कैसे जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कोई भी एक्स्ट्रा में नहीं है। मैं यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो रेम है वो 2GB है और इसमें जो है 0.89GB जो है इसकी जो इनबिल्ट जो इसमें सॉफ्टवेयर आता है ऐप आता है सिस्टम जो सिस्टम मेमोरी जो होती है रेम, तो 0.89 के आप अप्रोक्स जो है आपको यहाँ पर यूज़ मिलेगी और 1.1GB जो है आप इसमें ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, इसको आप एक्स में यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों इस 16GB का जो वेरिएंट है उसमें आपको जो है मैंने यूज़ कर रखा है जो सिस्टम से अभी मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, जो कुछ मिला है सिस्टम का है। तो 846MB का जो है आपको यहाँ पर जो है स्टोरेज मतलब कह सकते हैं कि ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा और आप बाकी का आप यूज़ कर सकते हो 16GB में से। तो ये था आपका कुछ इस तरीके के स्टोरेज के बारे में। बात करें दोस्तों इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर आपको अबाउट टीवी बॉक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको इसका स्टेटस वगैरह कौन सा एंड्रॉयड है, तो यहाँ पर अब आप मॉडल देख सकते हो टीवी बॉक्स के नाम से इसका मॉडल है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो 10.1 जो है एंड्रॉयड वर्जन पर जो है ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हो। बात और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप जब परचेज करोगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मैन बात करता है इसके माई ऐप के, तो यहाँ पर जैसे ही आप माई ऐप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे इसमें जो है प्री इंस्टॉल्ड आए हैं। इनमें से मैंने जो है कोई भी इंस्टॉल नहीं किया है।
क्रोम मिल जाएगा आपको, फाइल मैनेजर, गैलरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो है थॉप टीवी, प्री इंस्टॉल्ड है, आपको कोई भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और थॉप टीवी का नाम सुनते ही आपको जो है सारे जो जितनी भी आपने वीडियोज देखी थी, जो IPL में आपको लाइव मैच देखने के लिए जितने भी आपने जैक जुगाड़ लगाए थे, वो आप समझ गए होंगे थॉप टीवी में आप क्या क्या कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप जो है लाइव चैनल देख सकते हैं, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है नहीं। साथ में दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप कोई और एडिशनल कुछ ऐप की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। ओडी आप जो है कोई ऐप स्पेशली कोई आपको ऐप यूज करना है तो वो भी आप यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर सकते हो। बात करें दोस्तों यूट्यूब की, तो यूट्यूब भी आपको जो है यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली आपको जो है यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यूट्यूब में मैं जो है आपको वीडियो चला के बताऊंगा, हालांकि हमारे चैनल की ही वीडियो चलाएंगे, क्योंकि अदर चैनल की चलाएंगे तो हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब कॉपीराइट से तो आप मेरा नुकसान थे। तो बात करते हैं दोस्तों यूट्यूब की, तो यहाँ पर जो है आपको मैं सर्च करता हूँ, और यहाँ जॉब नगर मैंने सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं जॉब नगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपकी पूरी वीडियो आपको मेरी बता देगी। तो रिसेंटली जो हमने स्टोर की विजिट करी है उसकी वीडियो से बात है, क्वालिटी जो है आपको काफी अच्छी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारी वीडियो में। दोस्तों हम एक जो है Amazon Flipkart की जो रिटर्न प्रोडक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वालिटी मेरे को जो है काफी अच्छी लगी इस बॉक्स की। हालांकि ये जो वीडियो है मैंने 1080 पिक्सल में जो है अपलोड की थी। अगर आप 4K वीडियो देखना चाहते हो और आपकी टीवी अगर 4K पैन इंडिया डिलीवरी वगैरह अपनी रहती है बल्क लॉट्स में, मान लीजिए कोई अगर आपकी वीडियो जो है टीवी 4K सपोर्टेड है तो आप यहाँ पर जो है 4K वीडियो भी चला सकते हो। मैं भी 4K कॉपीराइट के कारण जो है आपको चला के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप जैसे भी 4K अगर आप कोई वीडियो सपोर्ट करती है और उसको आप प्ले करते हो तो 4K में वो जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर देने वाली है। दोस्तों बात करें और इस बॉक्स के बारे में, तो बॉक्स में आपको जो है यहाँ पर रिमोट में आपको वॉल्यूम अप डाउन ऐप का, सेटअप का, पावर ऑफ का, यहाँ पर जो है सारे ऑलमोस्ट जैसे आपके अदर आपके सेटअप बॉक्स का रिमोट होता है उसी तरीके से सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर केवल एक माउस का जो है एक्स्ट्रा में है। तो दोस्तों ये है ऑलमोस्ट इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। ज़्यादा मैं डिटेल्स में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप एंड्रॉयड फ़ोन में जितने भी काम कर सकते हैं वो सारे काम इसके थ्रू कर सकते हैं। 2GB रैम मिलने वाली है, नॉर्मली आपका सारा यूज़ होने वाला है। और मेन दोस्तों अभी मैं आपको LED टीवी में तो आप चला ही सकते हो दोस्तों, जो मेन चीज़ है वो है आपके बाबा आदम जमाने की टीवी, ये वाली बड़ी वाली। तो उसमें भी जो है मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, और आप अभी देखेंगे कि उस टीवी में भी जो है आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो AV पोर्ट के थ्रू, और उसमें भी जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी देने को देखने को मिल जाती है। साथ में दोस्तों अगर आपको इसमें आप प्रोजेक्टर आप मान लो फुल फैमिली के साथ में बड़े पर्दे पर अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसके इससे जो है प्रोजेक्टर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर जो है आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्टर का जो है मतलब तो क्या बोले उसके बारे में, तो क्वालिटी अलग आ जाएगी। इतना बड़ा पर्दा और साथ में पूरी फैमिली मिलके जो है एंड्रॉयड टीवी में यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख रही है, कोई सॉन्ग सुन रही है, कोई फिल्म देख रही है, तो उसका तो मज़ा कुछ और ही है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको जो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं आपको जो है कुछ क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ जिसमें आप पुरानी वाली टीवी को जो है आप एंड्रॉयड इसी बॉक्स के साथ में जो है कनेक्ट करके चलते हुए इसी बॉक्स के थ्रू यूट्यूब चलते हुए देखेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ मेरे जो है रिव्यू की, तो मैंने जो है इसको मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो मैंने यहाँ 2 दिन तक यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ से जो है रेस्पॉन्स मिला। इस रेंज के अंदर जो है आपको इससे अच्छा मतलब रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा, और इसी कारण मैंने जो है इसको मंगवाया था, क्योंकि ये एक तो बजट में है, साथ में जो इसके फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं मेरे को। मतलब इसमें कोई भी अभी तक ऐसा कुछ डाउट नहीं लगा कि भाई हाँ ये चीज़ मेरे से नहीं होगी। हालांकि मैं इसमें पब्जी नहीं खेल सकता, वो बात अलग है, लेकिन 2GB रैम के साथ में जो भी आप काम कर सकते हो वो आप यहाँ पर बेस्ट तरीके से कर सकते हो। ऑलमोस्ट बहुत अच्छी डील है, 2100 के अंदर और ऑलमोस्ट आपके लिए 2000 रुपये, क्योंकि आप जॉब नगर के सब्सक्राइबर हैं, तो इससे अच्छा जो है बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा आज तक की मैं बात करूँ तो। साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूँगा आपको ओसम गैजेट्स पे, क्योंकि कई जो सब्सक्राइबर्स की कंप्लेंट रही कि सर वो आजकल रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, उन्होंने जो है प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करा रहे, तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि लॉकडाउन के चलते और चाइना से जो है उनकी अभी डिलीवरी में जो है इशू होने के कारण जो है वो प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा है। साथ में दोस्तों अभी वो कॉपी आइटम की जगह वो जो है आपके लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट के लेके आ रहा है, जिसमें आपको जो है जैपोनिक्स के हेडफोन वगैरह इस तरीके की मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो आपको उसमें जो है पूरी वारंटी मिलने वाली है,
मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे जो है आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो वो अभी बिजनेस को सेटअप करने में लग रहे हैं। तो आप ऐसा ना कहें कि उन्होंने काम बंद कर दिया, ये कर दिया, लेकिन वो हाँ अपनी सर्विस को जो है थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी आप इस तरीके की वॉचेज की बात कर रहे हैं तो ये सारे चाइना से आती थी, और अभी चाइना से जो है आप जानते हो कि जो है डिलीवरी का काफ़ी इशू है, साथ में जो है चाइना के प्रोडक्ट भी हम जो है अभी प्रमोट करना बहुत कम कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट सभी जगह आते हैं, इतने सेलिंग हैं, तो उनको मतलब बाइकआउट करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम हो उतना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। Next level, next level on